न्यूजीलैंड सरकार वोटिंग की उम्र 16 साल तक लियाउण लई कानूनी तौर पर ड्राफ्ट तैयार करेगी तां जो संसद इस विकल्प पर विचार कर सके। सोमवार सवेरे सुप्रीम कोर्ट के ऐलान के अनुसार मौजूदा वोटिंग की उम्र 18 साल है, पर यह कानून न्यूजीलैंड बिल ऑफ राइट्स विच पाए गए अधिकारां नाल मेल नहीं खाता, जिन्हां दे अनुसार उम्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। पर इस अहम बदलाव लई सदन विच बहुमत दा होना लाजमी है। किसी भी व्यवस्था लई नैशनल पार्टी दे समर्थन दी लोड़ होवेगी, जो पहला ही विरोध प्रकट कर चुकी है। प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन ने कहा कि ओह इस मुद्दे विच कोई राजनीति नहीं चाहते अते हर संसद मैंबर नूं आवाज़ उठाउण दी इजाजत देनी चाहीदी है। लेबर पार्टी ने अजे इस मुद्दे ते कोई भी फैसला नहीं लिया है। नैशनल पार्टी अते एक्ट पार्टी दोवें ही उम्र घटाउण दे इस फैसले ते विरोध कर रही हैं, जदों कि ग्रीनज अते माउरी पार्टी ने इस बदलाव विच समर्थन प्रगट किया है। आर्डन ने कहा कि वह निजी तौर पर इस फैसले के हक विच है। दूजे पासे नैशनल पार्टी के बुलारे पॉल गोल्डस्मिथ के अनुसार उन्हां दी पार्टी हिंसा अते गैंग अपराध वर्गे मुद्दों वल वधेरे ध्यान देना चाहती है। एक्ट पार्टी के नेता डेविड सिमोर ने भी इस दे विरुद्ध बयान दिंदे कहा कि असी 1,20,000 होर वोटर नहीं चाहते जो अजे वोटिंग टैक्स का भी भुगतान नहीं करते। इस दे नाल ही ग्रीनज पार्टी के बुलारे गोलरिज गैरवान के मुताबिक यह फैसला लोकतंत्र की वड्डी जित बन सकता है। उन्होंने कहा कि नौजवानों नूं अपने भविख नूं प्रभावित करन वाले फैसलों विच हिस्सा लैण दा अधिकार मिलना चाहिए। इस तो इलावा कमर्स एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर डेविड क्लर्क भी इस फैसले का समर्थन देंदे नजर आए। इस दे नाल ही मेक इट 16 की को डायरेक्टर केडन टिपलर भी सुप्रीम कोर्ट के इस ऐलान उत्ते खुश नजर आई। टिपलर ने कहा, साडी सरकार अते संसद अजिहे स्पष्ट कानूनी अते नैतिक संदेश नूं नज़रअंदाज नहीं कर सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, NZ पंजाबी न्यूज़।